भाई आपने ये पासो गाड़ी ली है, अभी आपने देखा जैसे ये धुलाई हो रही है, इसको लेने का क्या डिसीजन था आपके माइंड में? आप पास जो है वो GLI की ऑप्शन भी थी, XLI की ऑप्शन भी थी, फिर भी आपने माचिस के डब्बे को खरीदा। आपके जहन में क्या था? हैं आपको क्या नॉलेज इस गाड़ी के बारे में? XLI और GLI से ज़्यादा इसमें लग्जरी है अंदर गाड़ी क्या, फुल ऑप्शन एक तो गाड़ी है ये, ठीक है। अच्छा आगे बताएं। तो फुल ऑप्शन उसमें नहीं आता XLI GLI में, आता भी है तो वो वेरिएंट मेरी रेंज से बाहर हो जाता है। इसमें फुल ऑप्शन आपको मिल रहा है, ऊपर से इमरान खान का दौर है, इमरान खान फ्यूल इतना बढ़ा रहा है तो ये फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी है, इसकी लोकल आपको फ्यूल बहुत अच्छी एवरेज देती है। ये जो है ये आम पास होनी है, ये कोई है आना आना, तो इसमें जो है वो आपके पास आता है मोबिलाइजर कीलेस एंट्री और बाकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं मेरे ख्याल से ऑप्शन है कोई, और डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है। 2010 मॉडल है, विच इज़ क्वाइट इंप्रेसिव। इतनी छोटी गाड़ियों में है जो इम्पोर्टेड है, और पाकिस्तान की जो है ना वो बड़ी से बड़ी गाड़ी में आज भी जो है ना वो एनालॉग क्लाइमेट कंट्रोल है। गिन को देखो इधर बैठ के बस देखे। आई एम ऑनर ऑफ दिस कार। भाई कर बताएं करते क्या हैं आप? मैं मेरा बिजनेस है अपना। हाँ छोड़ने का छोड़ने का बिजनेस है इनके। ये हम हैं, ये हमारी कार है और गाड़ी की धुलाई हो गई। और ये हमारे ख्वार हैं। ये हम हैं, ये हमारी कार है और गाड़ी की धुलाई हो गई। कब कर मैंने मैंने ये कैमरा उठा के तेरे सर पे मारना है। गाड़ी की धुलाई हो रही है, धुलाई हो रही है। गाड़ी जरा खड़ी है ना, ये गाड़ी की जगह फिर तुम हो गए और फिर तुम्हारी धुलाई होगी, इसलिए चुप हो जाओ। तुम्हें ये वाली मीम बड़ी, ये बड़ा पसंद आई है। नहीं ये बंदा है द मोस्ट हैंडसम मैन ऑन अर्थ। हट। फिर पासों से अच्छी वो जाए। आजकल के दौर में आप लोगों को ये गाड़ी लेनी चाहिए, बहुत फ्यूल इफिशियंट गाड़ी है। 16 रुपये की समरी आई थी, उसके बाद मैं भी सोच रहा था इससे भी अच्छी 660 वाली मीरा ले लेते अगर और महंगा हुआ फिर साइकिल की ऑप्शन ही है। सर गाड़ी के अंदर हमारा दाखिला हो गया है और इसका मीटर है। अब मीटर में जो है फीचर्स देख लें, बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें। इसमें आपको इको का ऑप्शन मिलता है, इमोबिलाइज़र है और ये डोर ऑप्शन तो खैर वैसे इसमें सब में होते हैं। ABS है एंड यहाँ पे कीलेस है, ये स्टार्ट विदाउट एनी की यू कैन स्टार्ट इट जस्ट बाय पुशिंग द अनलॉक बटन। और ये जो है इसका डैश है, डैशबोर्ड, इसके साइड डोर और डैश में आप भी आपको बताते हैं। ये जो है इसका गियर लीवर है, इसका गियर लीवर और यहाँ पे जो है ये वाइपर के ऑप्शंस हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है वो टर्निंग लाइट्स के। अच्छा इसमें बाबा आदम के ज़माने का स्टीरियो भी है इसमें जस्ट FM है, CD रिकॉर्डर है और बस दैट्स इट। बाकी चैनल के ऑप्शंस हैं, हैजर्ड लाइट। और मज़े की बात इस गाड़ी की ये डिजिटल है सारा क्लाइमेट कंट्रोल, यहाँ पर आपको मोड और जो बाकी सारे हैं टेम्परेचर आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे फ़ैन की स्पीड जो है वो, ये टेम्परेचर की स्पीड है, यहाँ पे जो है वो फ़ैन की स्पीड आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये यहाँ पे कह सकते कंपार्टमेंट ही है किस्म का, बीच में कंसोल बॉक्स नहीं है जो मैंने बड़ा मिस किया, ये बिल्कुल खाली है। वैसे इसमें आ सकते हैं ना यार, लगवा सकते हैं आप? हाँ इसमें आ सकते हैं, लेकिन ये है कि आर्म रेस्ट नहीं होना तो फिर बंदे को बड़ा ऑकवर्ड लगता है। नीडल भी बड़ी यूनिक किस्म की है और बाकी सारे जो विंडोज हैं वो पावर हैं, जो यहाँ की है सिर्फ एक ऑटो है ये ड्राइवर साइड की, ठीक है। फिर लाइट के एडजस्टर आता है यहाँ पे और यहाँ पे ऑप्शन है साइड मिरर कंट्रोल करने की और ये रिट्रैक्टेबल मिरर का ऑप्शन है, ठीक है। ये गाड़ी की बैक लुक है, जब आप
ट्रंक ओपन करते हैं, दिस इज द बैक लुक ऑफ द कार, दिस इज द बैक लुक, ठीक है। अब ये जो है ये बूट स्पेस है इसकी, आई डोंट लुक कितने लीटर है बट काफ़ी अच्छी बूट स्पेस है, ऑलमोस्ट विड्थ जितनी है इतनी होगी। स्पेयर टायर है जिसके साथ किट वो सीट के अंदर होगा आई गेस, और अच्छी गाड़ी है यार, काफ़ी जो है वो स्पेशियस गाड़ी, देखने में तो काफ़ी छोटी लगती है बट इज़ क्वाइट स्पेशियस। तो ये हमारे हैदर भाई ने ख़रीदी है, तो खैर इसमें तो काफ़ी सारी ऑप्शंस और भी आ सकती थी, जैसे कि आपका वो आ जाता है XLI आ जाती इसमें, जितने में इन्होंने ये ली, और GLI तो मुश्किल ही आती है लेकिन वो काफ़ी 9-10 मॉडल GLI वो भी काफ़ी मुश्किल से आती है, XLI अमूमन मिल जाती उस प्राइस ब्रैकेट में, लेकिन उसमें ये फीचर्स नहीं थे। ठीक है यार, मुझे एक चीज़ जो इसमें मैं मिस करता हूँ ना, वो शार्क फिन एंटीना है, इधर होता ना शार्क फिन एंटीना मिड में, गाड़ी की लुक बन जाती। बाकी है इसका इंजन बे, यू कैन से आगे बोनट, ये ब्रेक का सर्वा है, ये है इंजन, ये है बैटरी, दिस इज नॉट इट्स ड्राई सेल, ये है अपना वो अगर ये ड्राई सेल है तो इसमें ये क्यों, ये आज तक मैंने पूछा नहीं वो, ऐसे बिकॉज इट्स नॉट अ ड्राई सेल, लिक्विड वाली गाड़ी, बैटरी है। ये है एसी की फिटिंग, ओके, एंड ये इंजन है, आई गेस इसमें सेम इंजन आता होगा जो विड्स में आता होगा, क्योंकि इसका जो विड्स का जो फ्रंट कवर है ना वो भी सेम टू सेम ऐसे ही है, और वो भी 1000 cc 3 सिलेंडर आती है, वो भी सेम यही इंजन, ये भी 1.0 3 सिलेंडर, मतलब 1000 cc 3 सिलेंडर में, ये भी मज़ा हो गया पूरे। हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा व्लॉग प्लस रिव्यू गाड़ी का, तो हम मेहनत कर रहे हैं जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, और जिसको भी सजेशन में अगर चैनल आ रहा है तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। शुक्रिया, मिलते हैं आपको अपने अगले व्लॉग में।